मैंने विधायक जी को मैसेज भी की, मैंने खुद मैसेज किया उनको कि आपके बेटे ने खड़े होकर मेरी माँ पे हमला करवाया, ये मैंने मैसेज विधायक जी को किया। विधायक जी, क्या मेरी मम्मी के ऊपर हमला करवाना बाकी रह गया था? आप उनकी कॉल डिटेल चेक करा लो निलंजन साहब, कितने फोन किए होंगे उन्होंने पुलिस के अधिकारियों के, इसमें कार्रवाई ना हो। यकीन नहीं मानेंगे, एक आम महिला कैसे उम्मीद करें न्याय की, जब जिले की प्रथम नागरिक है, जिला पंचायत की अध्यक्ष, इनको रात को 4 बजे तक थाने में बैठी, आप सीसीटीवी कैमरे निकलवाना थाने के, 4 बजे रात तक थाने में बैठी, कोई एफआईआर नहीं की, समझाइश देके भेज दिया गया कि सुबह कर देंगे। सुबह 10 बजे फिर थाने पहुंचे, 10 बजे से थाने में फिर से बैठे रहे, शाम 6 बजे तक बैठे रहे। निवाड़ी में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। पहले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा के एक कार्यक्रम में स्थानीय नागरिक द्वारा विधायक का नाम लिए बगैर उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ अब जन आशीर्वाद यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष से धक्का मुक्की और हमला करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे अमित राय ने भाजपा विधायक अनिल जैन के बेटे पर हमला कराने का आरोप लगाया है। इस दौरान कई और लोगों पर भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद देर रात तक जिला पंचायत अध्यक्ष थाने में बैठी रही, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद सुबह 10 बजे से भी शाम 6 बजे तक वह और उनके लोग थाने में डेरा डाले रहे। देर शाम होते होते अमित राय अपने सारे समर्थकों के साथ राम राजा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरा मामला अब भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पास इस पूरे घटनाक्रम की खबरें भेजी हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्यवाही अमल में आती है, लेकिन इसके पहले आप सुनिए इस दौरान क्या कुछ बोली जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय और उनके बेटे अमित राय। मैं दिल्ली गुड़गांव था, इलाज के लिए गया था, बहन का इलाज चल रहा है, उस संबंध में मैं तो यहाँ था नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा आई हुई थी, माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री और तमाम प्रदेश सरकार के भी मंत्रीगण और संगठन के लोग उस यात्रा में शामिल थे, जिसमें निवाड़ी से मेरी माताजी जो इस जिले की जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो भी उस यात्रा में शामिल थी। और लगातार लड़वारी से जो मुझे जानकारी मिली है, छोटे छोटे क्लिप भी मुझे, वीडियो मेरे स्टाफ ने बनाए गाड़ी में, जिस तरह से कट मारे गए गाड़ी में, कहीं भी गाड़ी पलट सकती थी, एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकती थी, तब गाड़ी को रोका गया, मम्मी ने सबसे पीछे गाड़ी लगाई अपनी, ड्राइवर को रोक के, उसके बाद इधर आते हैं तो इधर सीढ़ियों पर धक्का मारा, उधर गिरने से बची तो मम्मी के सुरक्षाकर्मी ने उनको समझाया कि भैया वो महिला हैं और जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह से जगह जगह क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, उनको साइड किया और दर्शन करने मम्मी अंदर चली गई। इसके बाद गाड़ी में जब बैठी वो इधर से, ये सारा पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे में पूरा लैस है, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हर प्रकार की जांच प्रशासन कर ले। मम्मी गाड़ी में बैठी, जैसे ही आप ये मांग कर रहे हो कि मंदिर प्रबंधन से जो है सीसीटीवी, मंदिर प्रबंधन से पुलिस कंट्रोल रूम से, फिर पुलिस कंट्रोल रूम के पास गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी में मम्मी बैठी, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो गाड़ी रोक कर रमेश कंगार, सोनू यादव, ब्रजेंद्र परिहार, निर्भय यादव और भी अन्य 2-4 लोग और भी अपने साथियों के साथ आए, गाड़ी रोक के गाड़ी में लात घूसे, हाथ थपथपाने लगे, बाहर निकलो, गाली गलौज करने लगे। इसके बाद गनमैन उतरा, गनमैन ने कहा क्या बात है, तो गनमैन को कॉलर पकड़ के खींच लिया, धक्का ढाई की, उसके साथ मारपीट की और मम्मी की तरफ भी हमला करने के लिए बढ़े, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाया। भाई, लेकिन एक सवाल सामने आता है कि जन आशीर्वाद यात्रा थी, भाजपा के कई ढेर सारे नेता होंगे और ये जो इलाका है यहाँ पे लोग रहते हैं, तो जिस वक्त ये सब हो रहा था तो किसी कोई आया नहीं बीच बचाव करने? बहुत सारे लोग आए थे, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप उसमें देख सकते हैं जी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। भाई मैं भी इधर नहीं था, मेरी माताजी इतनी सज्जन महिला है, कहीं से कहीं तक आज तक एक भी एलिगेशन ना उनके ऊपर लगा है, ना उन्होंने कभी आज तक किसी के ऊपर लगाया है ना। अगर वो ये बात कह रही हैं और मैं भी यहाँ नहीं था, मैं होता तो आप राजनीति को जोड़ सकते थे उसमें, लेकिन इस तरह से एक महिला के साथ जो इस जिले की प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, उनके साथ इस तरह की घटना घटित की गई, उसके बाद थाने गए, थाने में भी मेरा मीडिया चूंकि सच को दिखाने की ताकत रखता है, और मेरा आपसे निवेदन है मीडिया से कि थाने में भी सीसीटीवी कैमरे लगे और कंट्रोल रूम में लगे और इधर ओरछा मंदिर में, सब जगह की जांच करा लो। थाने में जैसी ये घटना घटित हुई तो मम्मी थाने में सबसे पहले गई अपनी शिकायत करने के लिए, और जिन्होंने बदतमीजी की, गाड़ी रोकी, जिन्होंने हमला किया, वो थाने नहीं गए, वो चले गए। जब उनको पता चला कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी एफआईआर करेंगे, तब रात को 12 बजे के लगभग वो थाने पहुंचे, और वहां थाने पहुंचने पर उन लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया गया वो भी मैं मीडिया को दिखा रहा हूँ। मैंने थाने में टीआई साहब के हाथ में आवेदन की फोटो खींची है, इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ झड़प की,
इसमें कहीं मेरे पिताजी का नाम नहीं है प्रेमचंद राय जी का, कहीं और किसी भी कार्यकर्ता का, अध्यक्ष जी के साथ जो लोग थे उनका, या जो लोग नहीं भी थे उनका कोई नाम नहीं है। इसके बाद जब अध्यक्ष जी अपनी FIR पढ़े कि नहीं हम FIR करके ही मानेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे एक आम महिला कैसे उम्मीद करे न्याय की, जब जिले की प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, इनको रात को 4 बजे तक थाने में बैठी, आप CCTV कैमरे निकलवाना थाने के, 4 बजे रात तक थाने में बैठी, कोई FIR नहीं की गई, समझाइश देके भेज दिया गया कि सुबह कर देंगे, सुबह 10 बजे फिर थाने पहुंचे, 10 बजे से थाने में फिर से बैठे रहे, शाम 6 बजे तक बैठे रहे, जब कहा कि नहीं उठेंगे चाहे कुछ भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करने का प्रयास किया, उन तक भी बात पहुंचाई, माननीय प्रभारी मंत्री जी से भी शिकायत की, माननीय गृह मंत्री जी से भी शिकायत की, हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश अयाची जी संगठन के, हमारे जिले के प्रभारी हैं वीरेंद्र राणा जी, उनको भी इन सब विषय के बारे में संज्ञान के बारे में अवगत कराया। इस तरह की घटना पार्टी के कार्यक्रम में मेरी माँ पहुंची तो उनके साथ इस तरह की घटना की जा रही है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा दोषियों के ऊपर। जब उनके ऊपर वहाँ बैठ गए कि हम उठेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब जो नाम लिखवाने थे, अभी CCTV फुटेज आएगी आप देखना, अनिल जैन का बेटा रोहन जैन उसने भी हमला किया, वो भी वहां पर उपस्थित था, मोबाइल पर उपस्थित था अनिल जैन का बेटा रोहन जैन, अनिल जैन के सुरक्षाकर्मी भी खड़े थे, अनिल जैन का ड्राइवर भी खड़ा था जब हमला हुआ, और ये लोग भी थे, इन सब ने मिलकर हमला किया, लेकिन शिकायत में हमने रोहन जैन का भी नाम लिया, अनिल जैन के बेटे का, और तमाम और भी लोग थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कि उनका नाम उस FIR में नहीं लिखा गया। हमने जो आवेदन पत्र दिया था वो ना लेके दूसरे आवेदन पत्र पर उन्होंने रिसीविंग दी, फिर उसमें भी काट छाट करके उन्होंने FIR की। अभी आप CCTV कैमरे की फुटेज मंगाना, कुछ ऑडियो भी वीडियो भी वायरल हो रहे, उसमें रोहन जैन वहीं बगल में खड़ा हुआ है, सह देते हुए ये सब हरकतें करवाते हुए। मतलब ये बताइए आप, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता इसका जिम्मेदार कौन होता? सरकारी सुरक्षा में भी वो सुरक्षित नहीं है, ओरछा सबसे हाईटेक जगह है ये मंदिर, कैमरे से कह रहे यहाँ ये घटना घट रही, कल आप बताइए अगर कहीं और कोई घटना घटित होगी, कहीं और कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और मतलब प्रशासन को ही बता गया, प्रशासन ने हमारी FIR लिखने के बाद हमें समझा के हर तरह से भेज दिया, और तत्काल पीछे से उसको सोनू यादव को बुला के FIR लिख दी गई, मेरे पिताजी के ऊपर FIR लिख दी गई। भाई हमला हमने किया क्या? वो हमारी गाड़ी के पास आए, उनने अग्रेसिव रुख दिखाया, हमारे सुरक्षाकर्मियों ने बचाव किया, ये कहाँ तक सही है आप बताइए? क्या मांग है आपकी प्रशासन से, क्या चाहते हैं प्रशासन से? कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन से, इसमें निष्पक्ष कार्रवाई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें जो भी संलिप्त हैं, संदिग्ध अधिकारी हैं, जो भी हैं उनकी कार्यशैली सामने आनी चाहिए, सारे CCTV फुटेजेस की जांच होनी चाहिए, और थाने की जांच जरूर होनी चाहिए। कल रात को थाने की 9 बजे से लेके आज शाम के रात के 9 बजे तक, अभी 9 बज रहे 9 बजे तक की 38 मिनट तो इधर हमें मंदिर में आए हो गए, अभी तक की जांच होनी चाहिए कि थाने के अंदर क्या गुल खिलाए गए, किस तरह की क्रियावन किए गए। थाने में 200 लोग बैठे हुए हैं, उनको पुलिस नहीं हटा रही, आप ये बताइए थाने के अंदर ये स्थिति है, आप देखिए थाने के CCTV फुटेज किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। हम रामराजा सरकार से विनती करने इधर आए हैं कि आप ही सद्बुद्धि दो, जिनने गलत कार्रवाई की उनको दो, और जिन्होंने कल गलती की उनको सद्बुद्धि दो, और रामराजा सरकार की नगरी में न्याय होगा, दोषी यहाँ से किसी कीमत पर नहीं बच पाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है, चाहे कितने भी लोग षड्यंत्र कर लें। और मेरा मीडिया से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे निवेदन है, सबसे आग्रह है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी जिला पंचायत का सदस्य हूँ, मेरी माँ जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, मेरे परिवार में भी और भी जनप्रतिनिधि हैं लोग बाग, अगर हम लोगों के साथ इस तरह से घटना होगी, इस तरह से क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन जी के बारे में आप सबको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, किन किन चीज़ों में उनका हाथ है और वो क्या क्या यहाँ पर उन्होंने किया है आज तक, सब चीज़ें समय आने पर भी आपके बीच में आएंगी और आती जा रही हैं, लेकिन अब अगर वो इस तरह से हानि पहुँचाएंगे, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? मैंने विधायक जी को मैसेज भी किए, मैंने खुद मैसेज किया उनको कि आपके बेटे ने खड़े होकर मेरी माँ पे हमला करवाया, आपके गुंडों ने हमला किया, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने उन लोगों को किसी भी प्रकार की समझाइश नहीं दी अपने लोगों को, लगातार आप उनकी कॉल डिटेल चेक करा लो अनिल जैन साहब की, कितने फ़ोन किए होंगे उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को, इसमें कार्रवाई ना हो, ये मैंने मैसेज विधायक जी को किया, विधायक जी क्या आप मेरी मम्मी के ऊपर हमला करवाना बाकी रह गया था, रमेश कंगार, सोनू यादव, तुम्हारा बेटा रोहन, इन लोगों ने हमला किया, तुम्हारे गुंडों ने मेरी मम्मी की गाड़ी रोककर धमकी दी, झगड़ा किया, सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाया, इस तरह से मैंने उनको मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं किया उन्होंने, लेकिन लगातार दोषियों को बचा रहा है, अपने बेटे को बचा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना मेरे परिवार के साथ अप्रिय घटना घटित होती है तो ये सब लोग जिम्मेदार होंगे, इसमें मुख्य चेहरा अनिल जैन निवाड़ी विधायक होंगे।